Hello students, today's topic is spread spectrum modulation techniques. All the modulation and demodulation techniques described so far strive to achieve greater power and or bandwidth efficiency in a stationary additive void Gaussian noise channel. Since bandwidth is limited resource, one of the primary design objectives of all the modulation technique or the schemes detailed thus far is to minimize the required transmission bandwidth. ठीक है, bandwidth जितना कम करेंगे उतना अच्छा है, power कम लगता है उससे. Spread spectrum techniques on the other hand employ a transmission bandwidth that is several orders of magnitude greater than the minimum required signal bandwidth, while the system is very bandwidth inefficient for a single user. The advantage of spread spectrum is that many users can simultaneously use the same bandwidth without significantly interfering with one another. In a multiple user, multiple access interference environment, a spread spectrum system becomes very bandwidth efficient. दो चीजों को अलग अलग तरीके से इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया गया है. ये बताया गया है कि जितनी भी मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हम लोगों ने पढ़ी, MSK, GMSK, QPSK, then QAM and then all those techniques, ये सब क्या करते हैं, बैंडविड्थ को कम करने की कोशिश करते हैं. बैंडविड्थ कैसे कम करते हैं कि एक बैंडविड्थ में ज्यादा सिग्नल अगर हम लोग यूज कर ले तो बैंडविड्थ ऑब्वियसली रिड्यूस हो जाएगा, नंबर ऑफ सिंबल्स यूज करने की वजह से, ज्यादा सिंबल्स यूज करने की वजह से, है ना. मैंने आपको पिछले क्लास में एग्जाम्पल दिया है इसका. लेकिन अगर मैं मल्टीपल यूजर सिस्टम को यूज कर रहा हूँ, अगर एक बैंडविड्थ के को मैंने सबको दे दिया एक्सेस इसका, है ना, जैसे कि आपकी क्लास हो गई, क्लास को अगर आप एक बैंडविड्थ मान के चले तो उसको 60, 70, 80 जितनी इसकी कैपेसिटी होगी उतने लोग एक साथ एक्सेस कर लेते हैं एक टाइम पे, है ना. तो उस केसेस में इंटरफेरेंस की प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. और वो टेक्निक्स जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ी है, क्योंकि वो बैंडविड्थ को रिड्यूस करने की बात करते हैं. अब आपके क्लास का जितना लेंथ और विड्थ है उसको मैं हाफ कर देता हूँ, ठीक है. तो 60 की क्लास क्या हाफ एरिया में बैठ पाएगी, क्या नहीं बैठ पाएगी, बैठेगी तो बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा. चलो उसको और हाफ कर देते हैं, और हाफ कर देते हैं, आप समझ रहे हैं. तो बैंडविड्थ आप रिड्यूस कर रहे हैं तो मल्टीपल यूजर कैन नॉट एक्सेस दैट बैंडविड्थ, क्योंकि वो तो उनके लिए स्पेस ही अवेलेबल नहीं है. तो इंटरफेरेंस की प्रॉबिबिलिटी मल्टीपल टाइम इंक्रीज हो जाएगी. आप ट्रेन का डब्बा अज्यूम कीजिए, कितनी भीड़ होती है ट्रेन के डब्बे में, जनरल बोगी में, ठीक है. क्या बैठने की सीट मिलती है, क्या नहीं मिलती, इंटरफेरेंस की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती है अगर मल्टीपल यूजर सिस्टम होता है बैंडविड्थ ना होने से. तो ये जो स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक है, ये हमको सिंगल यूजर के लिए तो इनएफिशिएंट लगता है, लेकिन मल्टीपल यूजर के लिए ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है. ये इसका एडवांटेज है, ये इसको फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम ऑक्यूपाइंग अ वेरी लार्ज बैंडविड्थ, स्प्रेड स्पेक्ट्रम सिग्नल्स आर स्यूडो रैंडम एंड हैव नॉइस लाइक प्रॉपर्टीज व्हेन कंपेयर्ड विद द डिजिटल इंफॉर्मेशन डेटा. The spreading waveform is controlled by pseudo noise, जिसको PN sequence भी बोलते हैं या pseudo noise code भी बोलते हैं, PN code भी बोलते हैं, ठीक है, P silent है, which is a binary sequence that appears random but can be reproduced in a deterministic manner by intended receivers. Spread spectrum signals are demodulated at the receiver through cross correlation with a locally generated version of the pseudo random carrier. Cross correlation with the correct PN sequence de-spreads the spread spectrum signal and restores the modulated message in the same narrow band as the original data. Whereas cross-correlating the signal from an undesired user results in a very small amount of void band noise at the receiver output. तो noise के साथ तो कुछ न कुछ रह गई. Spread spectrum modulation has many properties that make it particularly well suited for using the mobile radio environment. The most important advantage is its inherent interference rejection capability. Since each user is assigned a unique PN code, which is approximately orthogonal to the codes of other users. मतलब जैसे 10 लोग हैं तो 10 के पास अलग अलग कोड रहेंगे. The receiver can separate each user based on their codes, even though they occupy the same spectrum at all the times. है ना? जैसे मैंने बताया कि एक क्लासरूम में 60 लोग हैं, लेकिन 60 को अलग अलग रोल नंबर असाइंड है. तो टीचर रोल नंबर से स्टूडेंट्स को एक्सेस कर सकता है, या एनी आउटसाइडर कैन एक्सेस दी स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द रोल नंबर, लेकिन वो सेम बैंडविड्थ यूज कर रहा है, सेम क्लासरूम यूज कर रहा है, फिर भी वो यूनिक है, अलग अलग है विथ ईच अदर.
This implies that up to a certain number of users, interference between spread spectrum signals using the same frequency is negligible. Not only can a particular spread spectrum signal be recovered from a number of other spectrum signals, it is also possible to completely recover a spread spectrum signal even when it is jammed by a narrow band interference or interferer. Since narrow band interference affects only a small portion of the spectrum signal, it can easily be removed through notch filtering. Notch मतलब बिल्कुल इस तरीके से जैसे nose होती ना, nose ऐसे shape उसका कैसे होता है, nose का नीचे की तरफ बंद होती है ना, तो वो notch filter हो गया. notch filter शायद आप लोगों ने पढ़ा है, नहीं मुझे आइडिया नहीं है आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है. ठीक है, तो नॉच फिल्टर से हम उसको सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं. सिंस ऑल द यूजर्स आर एबल टू शेयर द सेम स्पेक्ट्रम स्प्रेड स्पेक्ट्रम मे एलिमिनेट फ्रीक्वेंसी प्लानिंग सिंस ऑल सेल्स कैन यूज द सेम चैनल्स. जस्ट अ मिनट. रेजिस्टेंस टू मल्टीपाथ फेडिंग इज अनदर फंडामेंटल रीजन फॉर कंसिडरिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम सिस्टम फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं. अगेन वही चीजें बताई गई है, पीएन सीक्वेंस क्या होता है. स्प्रेड स्पेक्ट्रम सिस्टम्स आर नॉट ओनली रेजिस्टेंट टू मल्टीपाथ फेडिंग बट दे कैन आल्सो एक्सप्लॉइट द मल्टीपाथ कंपोनेंट्स टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम. दिस कैन बी डन यूजिंग द रेक रिसीवर व्हिच कंबाइंस इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम सेवरल रिजॉल्वेबल मल्टीपाथ कंपोनेंट्स. रेक रिसीवर कंसिस्ट ऑफ बैंक ऑफ कोरिलेटर्स ईच ऑफ which correlate the particular multipath component of the desired signal. ठीक है, तो उस तरीके से उसको हम लोग पढ़ सकते हैं. PN sequence क्या होता है, pseudo noise sequence किसको बोलते हैं. A pseudo noise random sequence is a binary sequence which an autocorrelation that resembles over a period the autocorrelation of a random binary sequence. मतलब 101010 वाला form. Its autocorrelation also roughly resembles the autocorrelation of band limited void noise. Although it is deterministic, a pseudo noise sequence has many characteristics that are similar to those of random binary sequences, such as having a nearly equal number of zeros and ones, very low correlation between shifted version of the sequence, very low cross correlation between any two sequences, etc. The PN sequence is usually generated using sequential logic circuits, a feedback shift register, which is diagrammed in figure 5.48. We will see the diagram consists of consecutive stages of two state memory devices and the feedback logic. Binary sequences are shifted through the shift registers in response to clock pulses, and the output of the various stages are logically combined and fed back as the input to the first stage, where the feedback logic consists of exclusive OR gates, which is usually the case. The shift register is called as a, ऐसा समझ लो आप, XOR गेट क्या करता है आपको पता है, XOR गेट का ऑपरेशन क्या है. फिर उसका हम लोगों ने एक शिफ्ट रजिस्टर से पास किया, शिफ्ट हुआ, फिर XORing हुई, फिर शिफ्ट हुआ, फिर XORing हुई, फिर शिफ्ट हुआ, फिर XORing हुई. तो इस तरीके से सीक्वेंस जो है कंटिन्यूअसली जनरेट होता जाएगा. द इनिशियल कंटेंट्स ऑफ द मेमोरी स्टेजेस एंड द फीडबैक लॉजिक सर्किट डिटरमाइन द सक्सेसिव कंटेंट्स ऑफ द मेमोरी. इफ अ लीनियर शिफ्ट रजिस्टर रीचेस जीरो स्टेट एट सम टाइम, इट वुड ऑलवेज रिमेन इन द स्टेट जीरो and the output would subsequently be all zeros, since there are exactly 2 to the power m minus 1 non-zero states for an m stage feedback shift register. The period of a PN sequence produced by a linear m stage shift register cannot exceed 2 to the power m minus 1 symbols. Sequence of period 2 to the power m minus 1 generated by a linear feedback shift register is called as the maximum length of the sequence. An excellent treatment of PN course is given in this particular paper. Reference है वो, वहाँ से उसको ये देखो, ये feedback जैसे मैंने आपको बताया कि ये stage one, stage two, यहाँ से ये जा रहा है logic, logic जाने के बाद ये feedback logic है, stage one है. अब इसी के अंदर stages के अंदर ही आपको coding की गई है, coding के बाद ये shift हुआ, shift होने के बाद फिर से feedback मिला, फिर यहाँ से उसको mix किया और ये चलता रहता है. ये PN sequence का output. ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं. व्हाट इज डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम DSSS, आपके एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज DSSS, व्हाट इज FHSS, उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है. ठीक है, तो DSSS के बारे में बात करते हैं. अ डायरेक्ट स्प्रेड स्पेक्ट्रम, अ डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम सिस्टम
spreads the baseband data by directly multiplying the baseband data pulses with a pseudo noise sequence that is produced by a pseudo noise code generator. A single pulse or symbol of PN waveform is called a chip. Figure 5.49 shows a functional block diagram of DS system with binary phase modulation. This system is one of the most widely used direct sequence implementations. Synchronized data symbols, which may be information bits or binary channel code symbols, are added in modulo 2 fashion to the chip before being phase modulated. A coherent or differentially coherent phase shift keying demodulation may be used in the receiver, और इस तरीके से उसको किया जाता है, ठीक है? ये received spectrum है, है ना? Cos के form में, where MT is the data sequence, PT is the PN spreading code, PN के साथ उसको mix करेंगे, FC is the carrier frequency, theta is the carrier phase angle at t equal to zero, the data waveform is a time sequence of non-overlapping rectangular pulses, each of which has an amplitude equal to plus 1 or minus 1. Each symbol in MT represents a data symbol and has duration TS. Each pulse in PT represents a chip. It is usually rectangular with an amplitude equal to plus 1 or minus 1 and has a duration of TC, carrier ka time. The transmissions of data symbols and chips coincide such that the ratio TS to TC is an integer. If WSS is bandwidth of SST and B is the bandwidth of MT cos 2 pi FCT, the spreading due to the PT gives WSS greater than B. DS receiver का जो diagram है वो यहाँ पे बताया गया है. ये देखो, ये आपने chip clock लिया, PN code को modulate किया, message को लिया, band pass filter को भेजा, oscillate किया उसको और transmitted signal तैयार. Received signal में फिर से वो signal आया, IF bandwidth filter, wideband filter use हुआ, PN code का generator जो हम लोगों ने उसको mix किया था यहाँ पे mix किया, दोनों को add किया. फिर यहाँ पे हम लोगों ने फेस शिफ्ट की यूज की, सिंक्रोनाइज सिस्टम यूज किया और उसको रिसीव कर लिया. इस तरीके से वो रिसीव हो जाता है ना? ये आपका डी स्प्रेडिंग सिग्नल का कहना चाहिए डायग्राम है जो यहाँ पे शो किया गया, ठीक है? तो डी स्प्रेडिंग सिग्नल के डायग्राम को भी हम पढ़ सकते हैं. इसमें एक चीज जो रह गई थी वो ये है कि Figure 5.50 shows the received spectra of the desired signal and the interference at the output of the receiver wideband filter multiplication by the spreading waveform produces the spectra of figure 5.50b at the demodulator input. The signal bandwidth is reduced to b while the interference energy is spread over a bandwidth exceeding WSS. The filtering action of the demodulator removes most of the interference spectrum. ठीक है, उसका explanation है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है. आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं, ये spectral density है, ये frequency है, ये मेरा signal है, signal के ऊपर ये interference है, ठीक है? यहाँ पे आप देखिए, ये मेरा जो है processing gain हो गया, ये interference जो है इस frequency के साथ mix हो गया, spread हो गया वो, है ना? और ऊपर वाला जो spectral density है, जो ऊपर B है, देखिए wide band filter output है A, और ये कोरिलेटर आउटपुट आफ्टर डी स्प्रेडिंग, ठीक है? तो ये चीज मुझे मिल गई यहाँ पे सिग्नल, है ना? तो यहाँ से आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है? द ग्रेटर द प्रोसेसिंग गेन ऑफ द सिस्टम, द ग्रेटर विल बी द एबिलिटी टू सप्रेस इनबैंड इंटरफेरेंस. तो इनबैंड इंटरफेरेंस सप्रेस करता है ऊपर वाला जो सिग्नल है, वो आपको वहां से आउटपुट में मिल जाता है, ये ऊपर वाला सिग्नल, ठीक है? यहाँ से फ्री हो गया ये इंटरफेरेंस जो है, ऊपर वाला सिग्नल इस इंटरफेरेंस से फ्री हो गया. तो ये गेन जितना अच्छा होगा, प्रोसेसिंग गेन, उतना ही आप बोलेंगे कि डी ट्रिपल एस जो है वो अच्छे से काम कर रहा है. तो पीजी इक्वल टू टी एस अपॉन टी सी, आर सी अपॉन आर एस इक्वल टू डब्ल्यू एस एस अपॉन टू आर एस, ये उसका कहना चाहिए फॉर्मूला हो गया. नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एफ एच एस एस के बारे में और उसको कंपेयर करेंगे कि डी ट्रिपल एस और एफ एच एस एस में क्या डिफरेंस होता है, एग्जाम में वो आता भी है, ठीक है? सो मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. Thank you for watching.